Savanna, I'm coming home. Savanna, we'll never be alone. Savanna. तो हेलो भाई लोग कैसे हो मैं एस के और आप लोग देख रहे हो एस एस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल तो गई आज की वीडियो पार्ट टू होने वाली है थ्री डी की सीरीज़ की पार्ट टू वीडियो है आज जो मैं है बताने वाला हूँ कि आप लोग कैरेक्टर में कैसे बोन्स ऐड कर सकते हो और कैरेक्टर को एनिमेट करना जो हम पार्ट थ्री में सीखेंगे क्योंकि कैरेक्टर में बोन्स ऐड करना ही एक डिफ़िकल्ट सा काम है अगर आपने कैरेक्टर में बोन्स अच्छे से ऐड नहीं किए तो आपका कैरेक्टर जो है मूव नहीं करेगा अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले ये वाली वीडियो पार्ट वन नहीं देखी है तो आप लोग को ये पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आप लोग को यहाँ पर देखो राइट right कॉर्नर पे ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा आई बटन पे ये वीडियो तो आप लोग सिंपली आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हो या तो आप एंड स्क्रीन से भी वीडियो को देख सकते हो तीनों जगह से आप लोग को कहीं से भी जाके सबसे पहले पार्ट टू देखने से पहले आप लोग को पार्ट वन देख लेना है तभी आपको समझ आएगा कि मॉडल कहाँ से आया और वो जो एफ एफ डब्ल्यू सी थ्रोन थी वो कहाँ से और क्लॉक टावर कैसे है वो सब एक्सेट्रा वगैरह वगैरह समझ आ जाएगा जो कि हमने पार्ट वन में कवर कर लिया था और मैं फिर से वो सिखाने बैठूंगा तो मतलब ही क्या पार्ट वन बनाने का तो इसलिए पार्ट वन सबसे पहले जाके देख लो और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो क्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को विंजो ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ विंजो ऐप पर सिंपली आप लोग गेम्स खेल सकते हो जैसे कि लूडो क्रिकेट कैरम नाइफ़ अप बिंगो जैसे गेम्स आप लोग खेल के पैसे अर्न कर सकते हो अगर आप फ्री फायर भी खेलते हो तो आप फ्री फायर के डायमंड्स भी यहाँ से परचेस कर सकते हो और ख़ास बात तो ये आप लोग यहाँ से अगर फ्री फायर के परचेस करते हो तो आप लोग को 15% परसेंट का ऑफ मिलेगा और आप लोग यहाँ पे जितना भी जो पैसे अर्न करते हो उसको आप लोग सिंपली आपके पेटीएम अकाउंट में विथड्रॉ कर सकते हो और आप लोग को इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको डाउनलोड करते ही फिफ्टी रूपीज़ अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी आपके तो देर किस बात की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करो तो गए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है ये जो एफ़ वाला ये जो इमोट था ये जो इमोट का जो मॉडल था इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको करना है क्या है सिंपल ये जो फाइल दिखती है यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर लेंगे ये जो इसके बाजू में दिखता है इसके दबाने से आप लोग से ये बंद हो जाएगा जहाँ पे मेरा टैच लग रहा है वहाँ पे फिर जो एफ एफ डब्ल्यू दिख रहा है थ्रोन को इसको आपको दबा के रखना है होल्ड कर लेना है और होल्ड करके ऐसे लाना है देखो अभी आ नहीं रहा है इसे दबा के होल्ड करना है ऐसे ही आता है तो रुको मैं और ट्राई करता हूँ और ये आ गया देखो ऐसे आपके हाथ के साथ ये जब मूव करने लग जाए और यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक बॉक्स दिखेगा यहाँ पे जाना है और यहाँ पे थोड़ी देर 10 सेकंड तक यहाँ पे रोक के रखना है आपको तभी ये प्रीसेट ऐड होता है अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ऐप का बग है ये प्री ऐड नहीं होता है ऐसे दस सेकेंड में रुक गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट एडेड टू प्रीसेट यहाँ पर प्रीसेट ऐड हो चुका है फिर आपको होम एंड डोंट सेव कर दो बिकॉज ऑफ हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं थे उसमें सेव हमने प्रीसेट क्रिएट किया था और फिर आप लोग को सिंपली आपका वो वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसमें आपका क्लॉक टावर था। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया उस पर टच करना है और ओपन का ऑप्शन आ जाएगा फिर यहाँ पे आपको मॉडल कहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप लोगों को सिंपली ऐसे आ जाना है और मॉडल आपका यहीं पे इंपोर्ट नहीं हो जाएगा मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहीं पे मॉडल नहीं आ जाएगा तो यहाँ पे जो क्यूब दिखता है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एफ एफ डब्ल्यू सी लिख देगा और एफ एफ डब्लू सी थ्रोन जो है मेरा यहाँ पर इंपॉर्ट हो चुका है बट यहाँ नहीं हुआ है वो नीचे हुआ है थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद ये देखो जो हमारा थ्रोन है वो जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है कभी कभी टेक्सचर जो है चले जाते हैं तो आप लोग को ऐसे सिचुएशन में करना कि आपको अलग से आपके टेक्स्चर जो है फिर से इस पर क्लिक करके देखो साइड में टेक्स्चर का ऑप्शन आता है तो आप टेक्स्चर जो है ऐड कर सकते हो दोबारा से और इसको ऐसे करके ऊपर लाएंगे ग्रीन वाले से ऊपर ला सकते हैं ब्लू वाले से ऐसे पहले ग्रीन वाले से ऊपर ला सकते हैं ब्लू वाले से ऐसे और रेड वाले से उस साइड ये जो है मैंने आप लोगों को पार्ट वन में सिखा दिया था और पार्ट टू ना थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कैरेक्टर में बोन्स ऐड करना इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि सिर्फ दबा दिया तो भाई बोन चाइड हो गए और वो उस टाइप का सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल है लेकिन उतना भी नहीं है इतना मतलब बोल सकते कि उतना सिंपल नहीं है बट एक बार अगर आप लोग सीख गए मैं भी ये वीडियो तो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ पहली बार जब तो मैंने बनाया था वीडियो तो मैं उसमें सेम चीज़ ना पाँच बार गलती कर चुका था और मैं कम से कम एक घंटे तक वीडियो बनाते रह गया था तो वही गलती मेरे से भी हो रही थी लेकिन आज मैं पूरा सोच के बैठा हूँ ये वीडियो इसलिए एक दिन लेट आ रही नहीं तो मैं पार्ट टू तो आज सुबह अपलोड करते हो मतलब आप लोग समझ जाओ मैं वीडियो कब बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने चेयर को जो है अच्छे से एडजस्ट कर दिया है जहाँ पे मेरे को रखना था और वहाँ पे पीछे आप लोगों को टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा ये जो डिवाल पे था क्योंकि मैंने क्लॉक टावर नया बनाया जैसे कि आप लोगों को पार्ट वन में पता होगा मैंने डोंट सेव कर दिया था क्या किया था तो मेरे को खुद पता नहीं फिर यहाँ पे इसको नीचे करेंगे और स्केल में जाएंगे और स्केल में जाके इसका साइज जो है थ्रे कर देंगे बिकॉज ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे थ्री 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 कर दिया तीनों डब्बों में थ्री 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 कर देना है फिर इसके बाद आप लोग को होम पे क्लिक करके सेव कर देना है और मैं टेक्सट बाद में जो है एडिट कर दूंगा फिर आपका जो डार्क थी वाला प्रोजेक्ट हमने बनाया था तो उसको ओपन कर लेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पर देखो मेरा टेक्स्चर जो है चला गया तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उन्हें जो है अपना मॉडल यहाँ पर लाना है अपने कैरेक्टर का मॉडल यहाँ पर लाना है बहुत सारे लोगों के पास ये बंडल नहीं होगा मैंने सिंपली आपको बताया था कि आप यूट्यूब से जाके सर्च कर सकते हो कोई भी बंडल का नाम लिख के वहाँ पे थ्री डी मॉडल सर्च कर सकते हो अगर वो थ्री डी मॉडल हुआ तो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा अगर वो थ्री डी मॉडल नहीं होगा तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा और देखो अगर आपके पास ब्लेंडर है पी सी है तो ही आप थ्रीडी मॉडल बना सकते हो एंड्रॉड से बनाना यार मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और मुझे आता भी नहीं एंड्रॉयड से मॉडल कैसे बनाते और आई थिंक ये एंड्रॉयड से मॉडल बनता ही नहीं है क्योंकि प्रजमा थ्रीडी पैलेस ही इतना ग्लिच वाला ऐप है इतने बग्स वाला ऐप है कि इसमें हम लोग कर ही नहीं सकते ना इसलिए मॉडल बने बना ही यूज़ कर लो अपने मॉडल का ख्याल भाई पीसी लेने के बाद ही रखना कि आपका मॉडल भी यहाँ पे रहेगा इससे अच्छा तो आप लोग इंटरनेट पे पर जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कोई भी बंडल और अगर आपके पास वो बंडल हो तो आप वो पहन लो आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अपना थ्री डी मोन्टाज अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ किया था तो मैं तब तक टेक्स्चर लगा लेता तो हूँ आपको बताता हूँ और उसमें आप लोग ने देखा होगा कि उसमें मैंने कोबरा बंडल ही पहना था भाई मैंने कोबरा बंडल ही क्यों पहना क्योंकि तो मेरे पास कोबरा बंडल था और कोबरा बंडल का वहाँ पे वो भी अवेलेबल था थ्री डी मॉडल अवेलेबल था तो जो भी मेरा मोन्टाज बना रहा था उसने बोला था कि हम दोनों चीज़ सेम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं कोबरा बंडल पहन के गेम प्ले करूँगा और जो बंदे मतलब मेरे साथ गेम खेलते थे तो बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि कोबरा बंडल क्यों पहन के रखा है चेंज करो इतना अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैंने उनको बताया भी था कि ये ऐसा था तो उनको पता ही होगा और इसलिए मैंने कोबरा बंडल पर शिफ्ट किया था अदरवाइज़ तो मैं अपने बंडल का बनाने के लिए उसको बोला था बट नहीं बन सकता तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते ना टेक्स्चर देने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा यहाँ से सेव पर क्लिक कर दिया फिर इसके बाद रूबी बंडल के इधर दिखता है ना इस पर क्लिक कर दो फिर यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट है सबसे पहले तो मैं इसको डिसलेक्ट करूँगा यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर इसके बाद जैसे फेस वाला है इसको होल्ड एंड ड्रैग करना है आपको ऐसे ऐसे देखो दबाना है फिर से होल्ड एंड ड्रैग करना है हेयर होल्ड एंड ड्रैग एसेसरीज होल्ड एंड ड्रैग कर लेना है आ जाओ भाई होल्ड एंड ड्रैग और ये होल्ड एंड ड्रैग करने के बाद होल्ड एंड ड्रैग वाले ट्रिक बहुत ही सिंपल है ईज़ी और इसके बाद होल्ड एंड ड्रैग करने के बाद आपको करना क्या है सिंपली ये तीनों पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है और ज़्यादातर नहीं होता है बट हो जाता है ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखो तो कुछ और ही हो जाता है कुछ तो नहीं हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं और इस पर लॉन्ग प्रेस और ये ऐड हो जा रहा है पता नहीं क्यों तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर और यहाँ पे देखो यार फिर से यार हो गया तो मैं फिर से इतना कर लेता हूँ फटाफट से तो कैसे फिर से प्रतिमा थ्रेडी एप्लीकेशन जो ओपन कर लिया है यही मुझे यार सबसे बकवास लगता है यार जब कोई ऐप रन करते करते बंद हो जाए फिर इसके बाद मैं तीनों को बाहर निकाल लूँगा हेयर को भी ऐसे होल्ड एंड ट्रैक करके बाहर निकाल लेना है ऐसे सरीज को भी छोटे से स्टेप थे इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ऐसे सरीज को भी ऐसे ही निकालना है होल्ड एंड ट्रैक करके मुझे लग रहा है कि ये फिर से जाने वाला है और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे बिकॉज अब सेव रहेगा तो हम लोग फिर से ओपन करेंगे तो कोई झंझट ही नहीं और इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है आपको सिंपली ऐसे फेस पे एक बार क्लिक कर देना है एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोन का ऑप्शन जो है एनेबल हो जाएगा आप बोन ऐड कर सकते हो इसमें और ऐसे आप लोग को सिर के अंदर जो है ऐसे घुसना है यहाँ पे देखो मैंने एक बोन गलती से ऐड कर दिया उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ और मैं ऐसे घुस जाऊँगा सिर के अंदर और यहाँ पर एक बोन डाल दूँगा और ये एक बोन डालने के बाद मैं यहाँ पर आके चेक करूँगा ये मेरा बोन किधर है तो इस बोन को मैं जो है यहाँ पर कनेक्ट करूँगा यहाँ तक ये रहे और इसके बाद एक बोन जो है मैं ऊपर डालूँगा और अब मैं ऊपर से जाऊंगा और इसको जूम करके इसके सर के अंदर घुस जाऊंगा सर के अंदर घुसने के बाद आपको करना कुछ नहीं है बस आपको चेक करना है कि ये बराबर में है कि नहीं सीधे में आ रहा है कि नहीं और आपको कैरेक्टर जब ऊपर से सीधा दिखे तो ही अंदर घुसना ऐसे ही मत घुस जाना और इसके बाद मेरा तीसरा बोन जो है क्रिएट हो गया तो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा और इसके बाद देखो यहाँ पे जो है मेरा बोन जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है फिर यहाँ पे ये तो सिर्फ फेस में ऐड हुआ है तो आप लोग को फेस वाले जो इस पर क्लिक करना है इस पर फिर सब में इसको ओपन करना है फिर ये जो बोन दिखता है इसको आपको ऐसे पकड़ के ऐसे ट्रैक करना है ऐसे होल्ड एंड ट्रैक करके ऐसे बाहर ला लेना है फिर इसको जो है आप लोग को सेव कर देना है सेव करने के बाद आप लोग को फिर से इसमें एक चीज़ करनी है सबसे पहले तो अगर आप ऐप रिस्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो अदरवाइज ये जाने ही वाला है मुझे पता है पहले फेस को ट्रैक करके इसमें डाल देंगे होल्ड एंड ट्रैक हेयर को भी होल्ड एंड ट्रैक करके इसमें डालेंगे, डालेंगे। बट जो ऐप है जो क्रैश हो चुका है आप लोग देख सकते हो तो मैं रिस्टार्ट करके आ जाता हूँ और गैस मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लिया और ये ओपन करने के बाद कुछ ऐसा हो जा रहा है तो इसको करेंगे क्या हम लोग सिंपली सबसे पहले तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर इसको ऐसे दबा के रखूंगा फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा इसको अनसेलेक्ट कर देंगे फिर ये तीनों सिलेक्टेड है फिर आप लोग इस पर क्लिक कर देना है और ऐसे जो है ग्रीन वाले को ऐसे मूव करना है और ये देखो मुंडी जो हमारी घूम चुकी है इसका जो सिर है वो घूम के सीधा हो चुका है और सीधा हो जाने के बाद आपको सिंपल ऐसे बाहर की साइड टच कर देना है और फिर इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर ऐसे त्रेस दिखता है इसको होल्ड करके इसमें बोन में डाल दो हेयर भी जो है ऐसे होल्ड करो ड्रैग करके बोन में डाल दो फेस को भी ऐसे होल्ड करके ट्रैक करके इसमें डाल दो फिर आपको कर देना है सेव सेव करने के बाद यहाँ पे देखो ये सेव हो चुका है और सेव करने के बाद आप लोग चाहो तो आप रिस्टार्ट कर सकते हो और मैं रिस्टार्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा काम चल जाएगा फिर आपको बॉडी पे ऐसे टच करना है फिर इस पर फोर्थ वाला डब्बा दिखता है यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो बॉडी पर सबसे पहले क्लिक कर दो इसकी जो बॉडी दिखती है फिर यहाँ पर फोर्थ वाला बॉक्स दिखता है उस पर क्लिक करके मेक एडिटेबल कर दो मेक एडिटेबल करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा तो आपका लैग नहीं हुआ है इसको कट मत कर देना ये प्रोसेस ले रहा है आपकी बॉडी को देखना अभी ब्लू 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 आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लू 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 आ चुका है बॉडी पे इसके बाद हम लोग वापस से फर्स्ट वाले बॉक्स पर चलेंगे फिर यहाँ पर जो बोन है इस पर जाएंगे और बोन पर जाने के बाद आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना और इस पर चले जाना है ताकि आप बोन को अच्छे से आगे पीछे कर पाओ और बोन को जो है देखना है ऐसे कैरेक्टर को जो घुमा के देखना है बोन जो है उसके शरीर के बाहर तो नहीं निकल गया है अगर वो शरीर के बाहर चला गया होगा तो आपका जो है बोन जो है शरीर से कनेक्ट नहीं होने वाला है तो इतना ध्यान रखना कि आपका बोन जो है शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए फिर ऐसे जाना है फिर ऐसे जाने के बाद आपको ऐसे साइड में जाके ट तक... इसको चेक कर लेना एक बार ये सही से जा रहा है कि नहीं और सही से जा रहा हो तो फिर इसके बाद आपको करना क्या सिंपली यहाँ पे एक बोन ऐड करना है हमको तो यहाँ पे मैं बोन ऐड कर रहा हूँ और फिर बोन ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं साइड में जाके कर देखूँगा ये सही है थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और नीचे करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये और अच्छे से ऐड हो सके और यहाँ से ताकि आपका हाथ अच्छे से मूवमेंट करे अदरवाइज़ हाथ की जो मूवमेंट है वो इम्पॉसिबल हो सकती है ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो नहीं करोगे अच्छे से बोन्स एड नहीं करोगे तो आपका हाथ जो है नहीं घूमेगा फिर फिर मत बोलना मेरा हाथ मूवमेंट नहीं हो रहा है मेरा कैरेक्टर मूव नहीं हो रहा है क्या करूँ कुछ बता दे ऐस ऐसे कुछ बता दे वगैरह वगैरह यार कमेंट मत करना और आपको बोरिंग लग रहा होगा मुझे पता है अगर आपको थ्रेडी माउंटे बनाने में इंटरेस्ट है कैरेक्टर में एनिमेशन देना चाहते हो ये तो सीखना पड़ेगा भाई कैरेक्टर में एनिमेशन देना एंड्रॉयड पे चाहे ब्लेंडर पे ही क्यों ना दो बोन्स तो ऐड करना ही पड़ेंगे तो बोन्स कैसे ऐड कर सकते हो वो तो मैं सिखा सकता हूँ प्लस ब्लेंडर की ट्रिक नहीं है ना बोन्स तो उसमें भी ऐसे ही ऐड करेंगे बस माउस रहेगा और मैं इसको चेक कर लेता हूँ बीच में ही है ना फिर ऐसे आके इधर एक दे दूँ उंगलियों में क्यों नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ उंगलियों में लगाने का भी एक रीज़न है मेरे पास क्योंकि उंगलियों में लगा देंगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा हमको वो बाद में मैं आपको बताऊंगा फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना यहाँ पे जो डमी दिखता है उस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर जो डमी दिखता है राइट भी, राइट भी है फिर ये कर देंगे और बोन्स जो है ऐड हो चुके हैं और फिर आपको किसी भी एक बोन पे क्लिक कर देना है सब बोन्स को ऐसे ही करना है आपको देखो पहली बार जब मूव करोगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा आप लोग तो भाई टेंशन में आ जाओगे भाई क्या हो गया इतनी मुश्किल से ऐड किया फिर आपको ऐसे ग्रीन वाले को करके इसकी सही पोजीशन पर इसको लाना है ऐसे ही आप लोग को जो सभी बोन्स के साथ जो है कर लेना है कुछ बोन्स जो है सही से मूव करेंगे क्योंकि अभी नई नई हड्डियाँ हमने उसमें डाली है तो अपनी मन मर्जी कर रही है तो ये देखो इसका हाथ तो भाई उल्टा ही हो गया मतलब कहीं कहीं पे देखो मैंने अच्छे से बोन्स ऐड किए थे अदरवाइज़ कुछ कुछ बार क्या होता है मेरा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे बोन्स जो है इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे से ऐड हुए हैं अदरवाइज़ और किसी प्रोजेक्ट में तो ऐड ही नहीं होते थे फिर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा और देख रहा हूँ अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं सब चीज़ और इसको भी ऐसे घुमा के देख लेते हैं और ये देखो पूरा उल्टा हो जाता है तो हम लोग सिंपली इसको घुमा के आगे कर लेंगे और आगे करने के बाद आपको बोन में मूवमेंट तो देनी ही है तो फिर इस पर भी क्लिक करके ये देखो भाई मतलब गजब यार गजब पूरा ही मतलब घुमा दिया मतलब कुछ भी यार आप भाई ग्लिच भी करते हैं तो कैसा यार बग है ये सब आपको ये सब फिक्स करना है देखो ये फिर से पीछे की साइड घूम गया पीछे की साइड घूम जाए तो आपको कुछ ऐसे ही कर देना है और यहाँ पे बराबर से एडजस्ट कर देना है ऐसे ही आप लोगों को बोन्स के साथ जो कर देना है कुछ कुछ बोन्स जो है एकदम परफेक्टली जो है वर्क करते हैं जैसे कि देखो ये वाला वर्क नहीं किया बट बस जो हाथ में हमने बीच में डाला था वो जो है अच्छे से वर्क हुआ था और बाकी सबसे तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि वो वर्क होने वाले हैं और इतना करने के बाद आपने देखो बोन्स भी सारे हिला लिए बोन्स सर के नहीं हिलाओ चलेगा फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है जिससे कि आपका प्रोजेक्ट जो है गैलरी में जो है गैलरी में नहीं सॉरी यार प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा जैसे का इन प्रोजेक्ट सेव करते और इसके बाद आपको करना क्या है ये दो बोन्स कनेक्ट करने के लिए ये दो बोन्स सर और धड़ को कनेक्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है सिंपली आपको ये वाले सबसे पहले तो आपको बाजू में क्लिक कर देना फिर ये वाले बोन पे क्लिक कर देना है फिर ये वाले बोन को आपको बंद कर देना है फिर टॉप को खोलना है सब सबमैस खोलेंगे और ये वाला बोन देखेंगे किधर पे है पहले तो जो खाली के बोनस हैं जिनमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो आपका रियल बोन है ओके तो वो रियल बोन है उसमें हमको ये वाला बोन जो है उठा के डालना है सबसे पहले इसको होल्ड एंड ट्रैक करके यहाँ पर ये वाला था तो इसमें ले जा मैं इसमें डाल दूँगा तो अभी देखो ये दोनों जो है कनेक्ट हो चुके हैं और इसके बाद देखो यहाँ पे शायद मैंने कुछ तो गलती कर दिया जिसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हुआ रुको मैं करता हूँ फिर से एक बार मैं वापस गया फिर से इस बोन को जो मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले टूल पे चला जाता हूँ पहले शायद गलत बोन में डाल दिया था फिर इसको होल्ड एंड ट्रैक करके देखो अभी कनेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ पहले मैंने गलत बोन में डाल दिया होगा इस रीज़न की वजह से हो सकता है और इसके बाद आप लोग को इसको कर देना है सेव सेव करने के बाद आपको पैर में भी तो बोन्स देने हैं पैर में कौन देगा तो पैर को भी आपको सिंपली ये जो ये दिखता है इस पर क्लिक कर देना है मेक एडिटेबल पे क्लिक करना है मेक एडिटेबल पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है आपको फर्स्ट वाले डब्बे पे आ जाना है फिर शू को सिलेक्ट कर देना है मेक एडिटेबल कर देना है और एंड्रॉयड पे एक चीज़ बता कि आप कैरेक्टर में जब तक ये शूज़ जो है कनेक्ट नहीं होते या तो आप शूज़ को है हटा दो और शूज़ को हटाने के बाद आप कैरेक्टर को ईजिली मूवमेंट दे सकते हो चला सकते हो और शूज़ जो है ये मूवमेंट में नहीं आते मैं मूवमेंट कराऊँगा तो आप लोग को अगर कैरेक्टर को चलाना सीखना है तो मैं वो आपको एनिमेशन वाले पार्ट में भी नहीं बताऊंगा आपको उसके लिए एक अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ और इसके बाद आप लोग को सिंपली पैर पे क्लिक कर देना और मैं कैरेक्टर को एनिमेट करना बताऊंगा चलना बताऊंगा तो चलने वाला तो भाई एनिमेट करना तो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा पार्ट थ्री में और पार्ट थ्री में हम सब कंप्लीट भी कर लेंगे और पार्ट फोर अगर आपको चाहिए कैरेक्टर चलते कैसे कैरेक्टर को चलाना कैसे तो आप मेरे को बोल सकते हो पैर पर देखो इस पर क्लिक कर देना फिर ये जो बोन्स वाला आइकन था उस पर क्लिक करेंगे फिर इस पर क्लिक कर देंगे फिर इस पर फिर आप लोग को देखो पैर को ऐसे लाना है पैर में दिखा इधर दिया फिर इसके बाद इधर आ जाना है फिर इधर आने के बाद इसको एकदम अच्छे से डालना अदरवाइज़ आपका पैर जो है मूवमेंट नहीं करेगा फिर इधर आके एक डालेंगे फिर यहाँ पे कुछ तो हो जाता है ऐसे हो जाता है बट क्या कर सकते हैं यार देखो ये वाला बोन किधर डल गया कहाँ डालना था कहाँ डल जाता है इसलिए बोलता हूँ एक बार सीधा आड़ा आड़ा उड़ा करके देख लो फिर देखो एक ऊपर बोन ऐड हो गया जबकि ऐड करना नहीं था फिर भी रिकॉर्डिंग के समय या तो पता नहीं कैसे टच लग जाता है यार समझ ही नहीं आता है फिर यहाँ पे मैंने एक बोन डाल दिया और फिर बोन डालने के बाद मैं पैर पे आऊँगा पैर पे डाल दिया फिर एक सामने से आके डालूँगा ताकि कुछ ग्लिच ना हो जाए फिर ऐसे बोन्स डालने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और देखूँगा ये हमारे पैर में जो है अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं और यहाँ पर मैंने इसको पैर में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी देख लेते हैं हमने तो जूते को देख के कनेक्ट किया है ना तो उनको कैसे पता चलेगा ये पैर में है कि नहीं है तो इसको सिंपली ऐसे देखो ये जो है मैंने कर दिया है इसको थोड़ा सा और अंदर डाल देता हूँ और ये जो है यहाँ पे बोन्स लग चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ये पैर पे जो क्लिक हुआ ही था तो हम लोग इस पर स्ट्राइट पे क्लिक कर देंगे डमी वाला राइट फिर यस कर देंगे फिर यस करने के बाद आपको करना क्या सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इस पर जाना है और आपको ऐसे मूवमेंट देनी है देखो भाई अच्छे से वर्क कर रहा है ये देखो अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि जूते हटा दोगे तो ये चल भी सकता है अभी जूतों की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही है और इसको एकदम से सही जगह पे जो है डाल देंगे पता नहीं किधर किधर घुस जा रहा है यार इसको सही जगह पे लगा देंगे ये लग गया सही जगह पे थोड़ा सा पीछे और इसके बाद इसको भी मूव करेंगे ये भी अच्छे से मूव हो रहा है और ये भी अच्छे से मूव हो रहा है आ, पीछे घूम गया ना ये हाँ पीछे घूम गया जिसके पास पीसी नहीं मैं इसलिए तो सिखा रहा हूँ देखो सारे बोन्स को जो है ऐसे ही आप लोग को कर लेना है मैं इतना पार्ट जो है स्किप कर देता हूँ बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा दिखाऊंगा तो तुम लोग देखोगे नहीं ना तो गैस यहाँ पे मैंने सारे बोन्स को जो है मूव कर लिया और आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि बोन्स ऐड करने के बाद उनको मूव जरूर से कर लेना अगर आप उनको मूव नहीं करते हो तो आपका प्रोजेक्ट पूरा ख़राब हो जाएगा फिर आपको कंटा लाएगा बनाने में इसलिए बोल रहा हूँ मूव कर लेना फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं इसको कर दूँगा सेव और सेव करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है इसको उसमें इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले सेव कर देंगे सेव करना ज़रूरी है फिर इसके बाद करना क्या है ये जो रूबी बंडल है सबसे पहले तो मैं इसको बंद करूँगा और ये जो बॉटम है इसके बाहर आ गया तो बॉटम को उठा के इसमें डाल दूंगा फिर इसके बाद ये जो रूबी रेड बंडल है इसको मैं ऐसे करूँगा एंड होल्ड एंड ड्राई करना सबसे पहले तो मेरे पास पहले से रूबी वाला प्रोजेक्ट है मैं रूबी वाला प्रोजेक्ट पर क्लिक करके रखूँगा डिलीट परी सेट कर दूँगा फिर इसके बाद रूबी रेड बंडल को ऐसे क्लिक करके रखेंगे फिर ऐसे आ जाएगा फिर मैंने आपको बोला था क्यूब पे ले जाके इसको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर तक 10 सेकेंड जितना फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट एडेड टू प्री सेट देन आपको होम पे क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक करके आपको आ जाना है बाहर और बाहर आने के बाद आपको सिंपली वो वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको सिंपली इसमें आ जाना है और नीचे सेंटर पे आ जाना है क्योंकि यहीं पे आपका मॉडल इंपोर्ट होने वाला है फिर रूबी पे क्लिक कर देना है आपका मॉडल जो है इंपोर्ट हो चुका है टेक्सचर जो है गायब हो चुके हैं कोई बात नहीं टेक्सचर तो हमको फिर से डालना ही थे मुझे भी पता ही था टेक्सचर फिर से डालने पड़ेंगे और नीचे पहुँचना है नीचे पहुँच जाओ सबसे पहले तो फुल नीचे जाने से पहले देखो आ चुका अपना बंडल का बोन्स के साथ तो यहाँ पर आपको रूबी रेड बंडल दिखेगा सिंपली ये जो रूबी रेड बंडल है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे फिर इसके बाद आप पूरा बंडल मूव कर सकते हो ओके पहले ही मत मूव कर देना कि किसी भी पार्ट पे क्लिक कर दो और वो मूव मूवमेंट कर दोगे उसके साथ वो चीज़ की गलती मत कर देना अदरवाइज कुछ भी हो सकता है इसलिए थोड़ा सा सब हल्के के चलना फिर इसके बाद यहाँ पे ऐड हो गया और इसको यहाँ पे ऐसे ला लेना और टेक्सचर जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना टेक्सचर जो है इसके ऊपर ऐसे बॉडी पे क्लिक करना टेक्सचर पे जाना और टेक्सचर जो है ऐसे ऐड कर देना टेक्सचर ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना मैं सबसे पहले टेक्सचर जो है ऐड कर देता हूँ फेस के बोन को जो है मूव नहीं किया था और नीचे वाले बोन को मूव करता हूँ और इसका फ़ेस जो है मैं जो है घुमा देता हूँ नीचे वाले बोन से मूवमेंट देते और इसके बाद देखो मैंने इसका फ़ेस जो है सामने की साइड जो है कर दिया मैंने उस समय इसके बोन को मूवमेंट देना भूल गया था देखो अभी हाँ हाँ फिर अभी इसको ना बोलते ना भी बोलेगा फिर ऐसे भी करेगा ये देखो ऐसे ऐसे भी करता है बहुत कुछ करा सकते हैं एनिमेशन देखिए तो आज की वीडियो में इतना ही इसको कर देना है सेव सेव कर देना है फिर होम पे क्लिक कर देना है और प्रिज्मा थ्रेडी का आज का काम खत्म और नेक्स्ट काम के लिए फ़ोन गिर गया और नेक्स्ट काम के लिए हम लोग पार्ट थ्री बनाने वाले कैरेक्टर को एनिमेशन देना और पूरा का पूरा उसमें सब कुछ बताने वाला हूँ तो रेडी रहना पार्ट थ्री के लिए तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना मेरी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले और बंदे बोल रहे थे दो दो घंटे की वीडियो बनाओ चलेगा तो भाई तुम ही देखोगे और तो नहीं देखेगा ना कोई तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके फॉलो कर लेना अगर अगर, अगर आप लोग ने अभी तक सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही तब तक के लिए गुड बाय